बेगूसराय के जिला नियंत्रण कक्ष प्रमंडलीय विद्युत प्रांगण में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा, विद्युत अधीक्षक अभियंता सनद पाठक, विद्युत कार्यपालक अभियंता किशोर कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि विद्युत व्यवस्था में अभी और सुधार लाना बाकी है। कार्यक्रम में सैकड़ों विद्युत कर्मचारी शामिल थे। बेगूसराय से अनिकेत सिन्हा, टीम डीएम सिटी लाइव, बेगूसराय। महत्वपूर्ण विषय पर हर घर बिजली लगा था और उसके तहत बहुत सघन सर्वेक्षण भी कराया गया था। उसको सर्वेक्षण कराना भी अपने आप में बहुत कठिन काम था। सर्वेक्षण के पश्चात सभी घरों में ऐसे परिवार जो कनेक्शन लेने के लिए इच्छुक हों, सभी तक कनेक्शन पहुंचाना, ये जितनी स्पीड के साथ, जितनी तीव्र गति के साथ ये आप लोगों ने इस कार्य को संपन्न कराया है और समय सीमा के पहले संपन्न कराया है, क्योंकि हम लोग न केवल बेगूसराय जिले में जिलों में देखते थे कि जो समय सीमा निर्धारित की गई थी। सर्वे का काम प्रारंभ कर लिया गया, 5% में शुरू किया जा रहा है और 1 माह के अंदर ये कनेक्शन प्रीपेड वाला मीटर लगना स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग फिर देखेंगे क्या स्पीड रहेगी, उसी के हिसाब से समय सीमा निर्धारित करते हुए उसको कम्प्लीट करेंगे। बेगूसराय में चोरी की कई बार वार्ता आ रही है, कनेक्शन में चोरी पर क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं, जहाँ जहाँ जो समस्या आती है संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सभी इंजीनियरिंग जो कार्यपालक अभियंता हैं यही हैं, यही सबको निर्देशित भी इसके लिए किया गया है। कहीं भी चोरी की जो शिकायतें आती हैं उसमें कार्रवाई करने का निर्देश भी है और हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया, जो कि हम लोग जिस जगहों पर जाते हैं, जिस जिलों में अगर बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं तो हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारियों की टीम बनाकर उस पर रेड भी करवाते हैं। हालांकि ये इस जिला में अभी जब से हम आए हैं बहुत ज़्यादा वारदातें, बहुत ज़्यादा घटनाएं इस तक हमारे संज्ञान में नहीं आई हैं। अगर आप लोगों के माध्यम से भी अगर हमको ज़्यादा इस सूचना मिलेगी, हम लोग कोई ऐसा एरिया होगा वहाँ पर टीम गठित करके उस पर छापामारी भी करवाएंगे। थैंक यू।